गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में हम देखेंगे निकटतम मान को और समझते हैं कि निकटतम मान क्या होता है। निकट, अब निकट का मतलब होता है पास, मतलब हम पता करेंगे कि जो ढाई का निकटन है या सैकड़े का निकटन है या हजार का निकटन है वह क्या है। तो किसी संख्या की हम तुलना करेंगे कि कौन सी जो संख्या है वह कौन सी संख्या के ज्यादा करीब है, कौन सी दहाई के या सैकड़े के या हजार के। तो सबसे पहले हम समझते हैं दहाई का निकटन, ठीक है, कि कोई हम संख्या लेते हैं और उसको पता करते हैं कि वह कौन सी दहाई के ज्यादा करीब है, ज्यादा पास है। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं ली हैं, जैसे 48, ठीक है, 48। अब हम देखेंगे कि 48 जो है किसके ज्यादा करीब है। तो अब आपको पता है अगर 48 है, 48 है, तो वह 40 और 50 के बीच होगा कहीं पर, ठीक है। तो मैंने उन संख्याओं को भी लिख लिया है, जैसे इसके पास छोटी छोटे लाइनें हैं जो प्रदर्शित करेंगी 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यह हुआ 48 का स्थान, ठीक है। तो 48 किसके ज्यादा करीब है, देखिए 40 के करीब है या 50 के करीब है। हम बता सकते हैं वह 50 के ज्यादा करीब है। तो 40 का जो निकटतम मान होगा दहाई का स्थान वह है 50। कोई और संख्या 16, देखते हैं 16 कहां पर होगा। तो 16 जो होगा वह 10 और 20 के बीच होगा, और तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, यह है 16 का स्थान। तो देखिए 16 10 के पास ज्यादा है या 20 के, देखिए 20 के पास है। तो 16 का जो निकटतम मान होगा दहाई का वह है 20, ठीक है। और कोई संख्या लेते हैं जैसे 81, तो देखते हैं 81 किसके पास है। तो 81 होगा 80 और 90 के बीच में, तो 80 के बाद आता है 81। तो 80 और 90 किसके ज्यादा पास है, तो 80 के ज्यादा पास है, तो यहां होगा 81 का निकटतम मान 80। और कोई संख्या जैसे 49, तो 49 किसके ज्यादा पास है, देखिए तो 49 पास है, ये 40 और 50 के बीच होगा या होगा 48 के बाद 49। तो इससे पता चल गया कि वह 50 के ज्यादा करीब है, तो 49 का निकटतम मान होगा 50। वैसे ही 73 है, 24 है, 27 है और आगे है 45, ठीक है। तो हमने कुछ संख्याएं ली, अब हम कुछ ऐसी संख्याएं लेंगे जो दो संख्याओं के बीचों बीच होती है, और अगर दो संख्याओं के वह बीचों बीच है, मध्य में है, तो उसका निकटतम मान क्या होगा यह हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 45, 45, तो देखते हैं संख्या रेखा में 45 कहां पर आएगा। 45 आएगा 40 और 50 के बीच कहीं पर। अब कहां पर होगा, तो देखते हैं 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, यह जो जगह है 45 का है, ठीक है। अब 45 आप देखिए 40 और 50 दोनों के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, मध्य में है। तब इस स्थिति में जो 45 का निकटतम मान क्या होगा, तो 45 का निकटतम मान होगा जो बड़ा स्थान है वह, 40 छोटा है, 50 बड़ा। तो 45 का जो निकटतम मान है वह होगा 50, बड़ी दहाई, ठीक है। वैसे ही और जैसे है 75, 75, तो 75 का निकटतम मान क्या होगा, तो देखते हैं 75 जो है 70 और 80 के बीच में होगा, तो बीचों बीच है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वह एकदम मध्य में है तो वह बड़ी दहाई की ओर होगा, मतलब उसका निकटतम मान होगा 80। फिर देखते हैं 35, तो 35 का निकटतम मान, तो 35 जो है 30 और 40 के बीच में बीचों बीच होगा, यह होगा 35 का स्थान मध्य में। तो इसका जो निकटतम मान होगा बड़ी दहाई, 30 छोटा है, 40 बड़ा, तो 40। तो 35 का जो निकटतम मान होगा वह होगा
क्या है। तो यह हो गया दहाई का निकटतम मान या दहाई का निकटन। अब हम चलते हैं सैकड़े के निकटन पर। हमने दहाई का निकटन देखा, अब चलते हैं सैकड़े के निकटन। तो सैकड़े का हमने बनाया हुआ है यह नंबर लाइन 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से। और हम कुछ प्रश्न लेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा है 249, ठीक है 249। तो 249 जो है हमें पता करना है सैकड़े का निकटन, सैकड़े का निकटतम मान। तो 249 अब देखते हैं 249 नंबर लाइन में कहां होगा, तो वह होगा 200 और 300 के बीच में, ठीक है। और इसके मध्य में आता है 200 और 300 के मध्य में 250, ठीक। अब 250 से यह 49 जो है छोटा है, मतलब वह यहां कहीं होगा, ठीक है। तो यह 200 के ज्यादा करीब है कि 300, स्वाभाविक सी बात है यह मध्य का स्थान है तो उससे इधर है, तो 200 के, तो 249 का जो निकटतम सैकड़े का मान होगा वह 200 होगा। और कोई संख्या 709, तो 709 को देखते हैं। 709 जो है 700 और 800 के बीच होगा, इस बीच में कहीं पर। तो देखिए 709, तो यह 710 है, 720, 730, 740, 750, यह तो 750 हो गया, हमें 709, तो 710 से जस्ट पहले होगा 709। तो 700 और 800 में किसके करीब है, तो 700 के, तो 709 का निकटतम मान होगा 700। वैसे ही 698 का निकटतम जो सैकड़े का मान है वह क्या होगा, यह देखते हैं। तो 698 जो है 600 और 700 के बीच होगा, तो यह 610, 620, 630, 640, 650 हो गया, 660, 670, 680, 690 और यहाँ होगा 698। तो देखिए 600 के करीब है या 700, 700 के करीब है, तो 698 का निकटतम मान होगा 700। अब चलते हैं हम 650, यह अभी लिखा है मैंने 650। तो देखिए 650 600 और 700 के बीचों बीच है, मध्य में, ना इधर ना उधर। अब तब की स्थिति में जैसे हमने दहाई में देखा उसी तरह से सैकड़े में भी होगा कि उसका जो निकटतम मान होगा वह बड़ा सैकड़ा, मतलब 600 से अधिक 700, तो उसका निकटतम मान होगा 700। तो 650 का जो निकटतम सैकड़े का मान है वह होगा 700, बड़ी सैकड़े की, बड़े स्थान की, ठीक है। आगे चलते हैं 250, तो 250 कहाँ होना चाहिए, 250 होगा 200 और 300 के बीच या बीचों बीच। तो इसका भी मान किसकी ओर होगा निकटतम मान, बड़ी सैकड़े मतलब 300 की ओर। और एक संख्या लेते हैं 450, तो 450 होगा 400 और 500 के बिल्कुल मध्य में, या 410, 420, 430, 440, 450। तो इसका भी निकटतम क्या होगा, 500, बड़ी सैकड़ा, तो यह हो गया 500। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के माध्यम से, संख्या रेखा के माध्यम से निकटतम मान को समझ सकते हैं। निकटतम मान मतलब निकट का मान, अगर दहाई का निकटतम बोले तो दहाई के निकटतम मान से निकट का मान हम ज्ञात करेंगे, अगर सैकड़े का कहता है तो सैकड़े का निकटतम मान, और अगर हमसे कहता है हजार का, तो इसी तरह से संख्या रेखा में हजार का निकटतम मान हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे शुरुआती समय में सबसे आसान तरीका है हमारे पास संख्या रेखा, और अगर इसे हमने आसानी से समझ लिया तो फिर हम निकटतम मान को आसानी से मालूम कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब जो कोई संख्या दो संख्याओं के बीचे बीच होगी तब उसका निकटतम मान बड़ी संख्या होगा, जैसे 45 जो है 40 और 50 के बीचों बीच है, तब 45 का निकटतम मान क्या होगा,
तो 40 और 50 के बीच है, तो बड़ा कौन सा है 50, तो 45 का जो निकटतम मान होगा वह होगा 50। तो ऐसे कुछ और संख्या लीजिए और आप उनका निकटतम मान मालूम कीजिए।